जिस गाने ने बदली रानू मंडल की किस्मत, स्टेज पर उसी गाने को भूल गई रानू मंडल। जो है रेलवे प्लेटफॉर्म पर गाने गाकर इंटरनेट सेंसेशन बनी रानू मंडल लगातार सुर्खियों में है। हिमेश रेशमिया संग गाने का मौका मिलना हो या फिर मेकअप को लेकर ट्रोल होना हो, रानू मंडल की हर एक्टिविटी पर सोशल मीडिया की पैनी नजर रहती है। और अब रानू मंडल का एक और वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो गाने के बोल को ही भूल गई है। रानू मंडल का ये वीडियो काफी ट्रेंडिंग हो रहा है जिसमें वो हिमेश रेशमिया के साथ अपना गाना, जो कि उनका पॉपुलर सॉन्ग था तेरी मेरी कहानी, जिससे उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ है, गाने में उसकी बोल ही भूल जाती है। ये वही गाना है जिसने रानू की किस्मत बदली, उनके करियर को संवारा है। इतना ही नहीं, वो वीडियो में खुद इस बात को कबूल कर रही है कि वो लिरिक्स भूल गई है। दरअसल रानू मंडल एक इवेंट पर पहुंची जहां जर्नलिस्ट बरखा दत्त रानू मंडल से गाना गाने को कहती है। जवाब में रानू कहती है, मैंने हिमेश जी के साथ थोड़ा गाया है, वो गाऊं? फिर जर्नलिस्ट बोलती है, हाँ वही गा दो, जिसके बाद का नजारा काफी मजेदार होता है। रानू मंडल जैसे ही गाने के लिए माइक पकड़ती है, वो थोड़ी देर तक चुप रहती हैं और परेशान से दिखती हैं। बाद में वो कहती हैं, ओ माय गॉड, मैं भूल गई। रानू का ये वीडियो काफी ट्रेंडिंग हो रहा है सोशल मीडिया पर। रानू लगातार ट्रोल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। लगातार रानू मंडल की ट्रोलिंग पर पिछले दिन उनकी बेटी एलिजाबेथ साथी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा था कि माँ की ट्रोलिंग से दुखी हूँ, माँ को हमेशा से एटीट्यूड प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से वो परेशानी में आ जाती है। ये काफी दुखद है। आपको बता दें, एक और वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था रानू मंडल का, जिसमे वो फैन के साथ एटीट्यूड दिखाते नजर आई थी। दरअसल रानू मंडल को एक फैन उनसे सेल्फी लेने की बात कहती है, ऐसे में वो कहती हैं कि उन्हें उसने टच कैसे किया। इस पर भी उन्हें काफी ट्रोल होना पड़ा कि किस तरह से सक्सेस मिलने के साथ बदल गई हैं रानू मंडल। और अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो उसी गाने को भूल गई हैं जिसने उन्हें रातों रात स्टार बनाया, वही गाना जिसने बॉलीवुड में उन्हें पहचान दी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।